सामान कहाँ गया? भेज दिया मैंने जरूरत के लिए। भेज दिया? हाँ, खाना खाएगी? खाना लेके आ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं? क्या मतलब? सुबह से भूखी प्यासी फिर रही है और कह रही है भूख नहीं है। आखिर गई कहाँ थी तू इस हुलिये में? मैं मरने गई थी बाजी। क्या क्या मतलब? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, पर उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। अब तो ना वो जीने देता है ना मरने देता है। बताओ बाजी, तुम्ही बताओ मैं कहां जाऊं? बेटा तू गई कहां थी? यहीं गई थी मां पारा के पास। चलो मुन्ने की फीस वो मैंने दे दी है, फर्नीचर बेच कर। मेरा हाथ मारती हो? क्यों मेरा हाथ मारती हो? तुम समझती हो मेरा सवाल आ गया? मैं अब किसी काबिल नहीं रही हूं? देखो बाबा जी, मैं अब भी कितनी हसीन हूं। मैं अब भी समंदर का गुमान होता है। ये देखो मेरे होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों जैसे, मेरे कपड़ों में से अब भी मोतियों की महक आती है। तुम्हें क्या खबर कि मैं क्या हूं? खबर बाजी, तुम्हें क्या खबर बाजी कि मैं क्या हूं? तुम्हें क्या खबर कि मैं क्या हूं? बस बहुत हो चुका सलमान, स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने बच्चे को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते उससे इलाज करवाते, हमने उसे एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया है जिसका बैकग्राउंड एक बात बताओ सलमान, वो उसे क्या बनाएगी? मौलवी, प्रीस्ट, जोगी? क्या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी दवा इजाद कर ली है जो इंसान के दिल से मोहब्बत को निकाल फेंकी? क्या ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट है क्या जो इश्क को एनालाइज कर सके? वो तो ठीक है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मास्टर्स कर रहा है वो कंप्यूटर और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दरगाहों और मस्जिदों के चक्कर काटता फिरे। बस तुम उसे फौरन वापस बुलवा लो अब और अमेरिका भेजने की तैयारी करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहां रह कैसे रहा। मॉस जैसा लड़का, मैडोना को सुनने वाला, हाउ कैन यू टॉलरेट दैट ऑफुल वुमन? नुदरत प्लीज, दी अम्मा के लिए ऐसा मत कहो। अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ जिस्म का इलाज करते हैं माय डियर, और खुद बेचारे रूह की बीमारी में मुब्तला होकर मारे मारे फिरते रहते हैं। वो दिल को मस्नूई तरीके से तो चला सकते हैं लेकिन दर्द दिल की दवा उनके पास नहीं है। और आपकी भी अम्मा के पास है इसका इलाज, है ना? भी अम्मा उन शिफा खानों का पता जानती है नुदरत जहाँ दर्द दिल की दवा मिलती है, क्योंकि वो भी इन शिफा खानों से शिफायाब हो चुकी हैं। नुदरत बस यूं समझ लो कि जिस तरह से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सर्जन, स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, नर्सेज, वार्ड बॉय से लेकर प्यून तक वहां के निजाम को चलाते हैं ना, इसी तरह से उन शिफा खानों में सूफी, मौलवी, पलंदर, मजजूब, दरवेश सबके सब अपनी हैसियत के मुताबिक और मरीज की जरूरत के मुताबिक शिफा बांटते रहते हैं। ये तुम कह रहे हो? आई कांट बिलीव इट सलमान, तुम अंदर से इतने फंडामेंटलिस्ट रहे हो। अरे भाई, तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, ये तो शायद मेरी जीन्स में है। मैं मौलवी गुलाम मुस्तफा का पोता जो हूं, जो अपने मदरसे में इंसान की रूह का इलाज किया करते थे, कितनी हैरान कर देने वाली बात है नुदरत के मेरा बाप यानी मौलवी गुलाम मुस्तफा का बड़ा बेटा जिंदगी भर तवाइफों के कोठों की रौनक ही बढ़ाता रहा, और फिर मुझे देखो, मेरी औलाद को देखो, मेरी बेटी किसी अमेरिकन से शादी करना चाहती है और मेरा बेटा, मुझे तो हैरत होती है कि मिशनरी स्कूल्स में पढ़ने वाला मॉस कुरान सुनकर रोता है और आप ही आप सजदा रेज हो जाता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था कि वो अमेरिका वापस जाकर किसी बार, किसी डिस्को या किसी कसीनो में अपना गम गलत करता। الصلاة خير من النوم.
صدیقہ بیبی، صدیقہ بیبی، جی میں امو سے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ دروازہ اندر سے بند کر لیجیے۔ سنیے جی، جی آپ کی چادر میرے پاس رہ گئی تھی، باہر سردی ہے اسے لیتے جائیے۔ میری چادر؟ وہ آپ مزار پر چھوڑائے تھے تو میں نے اٹھا لی تھی۔ او نہیں، باہر کچھ بہت زیادہ سردی نہیں ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ پلیز دروازہ اندر سے بند کر لیجیے۔ جی گھوڑے بیٹھ کے سونے لگی، آؤ یہاں سے میرے قریب بیٹھو، وہ سو رہی ہے اور تم صبح صبح میرے لیے چائے بنانے اٹھ گئے۔ نہیں بیما، میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، واپس آیا تو کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، سوچا آپ بھی تو اسی وقت پیتی، اس لیے آپ کے لیے بنا رہا ہے۔ یوں کیا دیکھ رہی ہیں ابھی؟ اما دیکھ رہی ہوں کہ کتنا سکون ہے تمہارے چہرے پر، یہی دیکھ رہی ہوں۔ بیما میرے اندر بھی سکون سا بھر گیا ہے، میں جانتی ہوں بیما، پہلے مجھے لگتا تھا کہ میرا وجود شولوں سے لپٹا ہوا ہے، اور اب میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ میں جانتی ہوں، میں نے آپ کو بات ہوئے لگا دیا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہوگی۔ کوئی بات نہیں بچے، میں پیتی ٹھنڈی چائے ہوں، صدیقہ بھی اسی بات میں مجھے جلا کرتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں بیما؟ کیا کچھ کہنا چاہتی ہوں میں بیٹا، میں اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ دینا چاہتی ہوں۔ آپ اس میں دل رکھ دیجیے اپنا، سدا دامن بھرا رہے تمہارا، سدا دامن بھرا رہے۔ ہو سکے تو بچے صدیقہ کو اپنا لو۔ لیکن بیما صدیقہ تو، صدیقہ نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، نکاح کے تین بول بول کے ایسا گیا کہ پلٹ کر ہی نہ آیا۔ میں نے اسے بہت خط لکھے لیکن کسی کا بھی جواب نہ آیا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ میرے پاس اس کا پتہ ہے، مگر ہماری زندگی میں کوئی مرد ہی نہیں رہا پھر جا کر اسے کہتا کہ اپنی امانت لے جاؤ یا اسے رہائی دے دو۔ اب تم آ گئے بیٹا تو
थी माँ, वो सदीका को आजाद कर देगा। जो मेरे मौला की मर्जी होगी वो ही होगा। तुम अपने मन पर बोझ न डालना, अगर तुम्हें भला लगे तो ठीक है, वरना कुछ गुजरी है कुछ गुजर जाएगी। जो अल्लाह को मंजूर वही होगा भी अम्मा। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और शरीर को भी। आपको यकीन नहीं आ रहा शायद कि आप शेरबाज के डेरे पर पहुंच गए हैं। आपको जिस शेरबाज के पास भेजा गया है वो वक्त के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, और अब यहां क्या बचा है? अब तो यहां कुछ भी नहीं। बीएमआ ने यह खत दिया। बीएमआ ने? मैं जानता हूं इस खत में क्या लिखा है। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। इस तरफ गुसलखाना है, मैं तब तक आपके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त कर लूं। प्लीज आप किसी तकल्लुफ में ना पड़े, ये खत पढ़ लीजिए, मुझे जवाब लेकर जाना है। मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। कभी इस दर पर रोजाना 40-50 आदमी खाना खाया करते थे, और अब मेरा अपना खाना कहीं और से आता है। बस चाहिए। देखिए प्लीज आप परेशान ना हो, ये खत पढ़ लीजिए। सदीका की शादी करवाना चाहती हैं? मुझसे। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान हैं। आप रिश्ता में भी सदीका के कुछ लगते हैं। मैं उसके चाचा के बेटा। सदीका भी यही चाहती है? शायद। ठीक है, दे दूंगा तलाक। लेकिन लेकिन क्या? एक बार सदीका से माफी मांग लूं। जैसे आपकी मर्जी। वो खुद कैसी है? खुश तो है ना? मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा तलाक देने। मैं उसका मुजरिम हूं, गुनहगार हूं उसका। माफी मांगे बगैर मुझे करार नहीं आएगा। आप इतने बस कहां रहे? बहुत खत लिखे भी अम्मा ने आपको। सब खत मिल गए थे मुझे। फिर जब सदीका से निकाह हुआ तब ऐश व ऐशरत से फुर्सत ही ना थी कि सदीका का ख्याल आता। सारी जायदाद लुटाकर कोड़ी कोड़ी को मोहताज हुआ
तो जहर पीने से फुर्सत ना मिली, फिर मैं बीमार पड़ गया और इसी बीमारी में मेरी एक टांग जाया हो गई। जमाने वालों ने मुझे छोड़ दिया और मैंने अपने तौर पर जमाने को ठोकर मार दी। और सदीका को भी आपने जमाने का हिस्सा समझ लिया। हारे हुए जवारी की अजीब सी नफ्सियात होती है और इसे एक जवारी ही समझ सकता है। आप तो माशाल्लाह शरीफ इंसान है। सुना है सदीका बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक, परहेजगार, इबादत गुजार है। अच्छा मैं अब चलता हूं। इतनी जल्दी? शाम से पहले मुल्तान पहुंचना है। आपको तो मालूम है कि यहां से मुल्तान का सफर बहुत मुश्किल है। मैं रास्ते से खा आया था। सुनिए जी, आप हुआ है? जी क्या कहा? कह रहे थे खुदा कर तलाक देंगे, आपसे माफी मांगना चाहते। मांगने से क्या होता? माफी मांगने और माफी देने से दाग धुल जाते। आप खुश हैं? आपने जवाब नहीं दिया। दुनिया के जाल से अगर अपने आप को छुड़ा लिया जाए तो जिंदगी सिर्फ हुक्म की तामील का नाम रह जाता है। अल्लाह को अगर यही मंजूर है तो मैं खुश हूं।
तुम फलकनाज ही हो ना? हाँ मैं वही फलकनाज हूँ। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? क्या थी और क्या हो गई है? अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। लेकिन तुमको मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैंने तुम्हारे ऑफिस से ले लिया था। ओ, इसका मतलब है कि तुम मेरे दफ्तर भी पहुंच गए? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि तुम पूछते पूछते मेरे घर भी पहुंच गई हो? देखो शहजोद, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, आई बेग यू, मेरी मदद करो। तुम मेरा हाथ तो छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे मोहसिन का पता चाहिए, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है? मोहसिन, क्या काम है तुम्हें मोहसिन से? नहीं कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, बस बस एक नजर सिर्फ उसको देखना, बस सिर्फ एक नजर शायद मुझे करार आ जाए। जी जी आया। देखो तुम इस वक्त जाओ, मैं किसी और वक्त तुमको। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे खड़े खड़े ही बता दे दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कराची में नहीं है। कराची में नहीं, कहाँ चला गया? जहाँ भी है मुझे वहाँ का पता दे दो, मैं खुद पहुँच जाऊंगी। जी आया। वो अपनी दादी माँ के पास रह रहा है मुल्तान में, बस आसान सा पता है, मौलवी गुलाम मुस्तफा की हवेली मुल्तान। अच्छा अब तुम जाओ प्लीज यहाँ से।